डायमंड जाते हैं। डायमंड लेबर तक जाने का रास्ता डायमंड क्लब है। जैसे अगर आपको हॉकी का बेस्ट प्लेयर बनना है तो आपको हॉकी क्लब ज्वाइन करना पड़ता है। क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर बनना है तो आपको क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना पड़ता है। उसी तरह से इस आरसीएम में अगर आपको डायमंड तक जाना है तो डायमंड क्लब ज्वाइन करना पड़ता है। और एक चीज और राजेश ने बताया कि 1500 पीवी जिसके घर में नहीं जा रहा है तो वास्तव में वह इस आरसीएम के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर। इस बात को मान रहे नहीं, गरीब से गरीब क्यों ना हो अगर वो नमक से लेकर सारी चीजें चटी गंजी बनिया जूता चप्पल अपना जो घर में जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं लेडीज के प्रोडक्ट्स हैं अगर उसको सारे प्रोडक्ट को लिया जाए तो 1500 पीवी कम बताइए कोई यहाँ पर रोज बताए 1500 पीवी नहीं हो पाएगा। सारा बताइए दुल्ले जी 1500 पीवी हो सकता है वो तब हो सकता है जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करें चाहे घर के लिए हो चाहे पत्नी के लिए माता जी के लिए पिताजी के लिए किसी के लिए भी हो। अगर आप सारे प्रोडक्ट इससे लेते हैं तो 1500 पीवी से कम नहीं हो सकता। इससे ज्यादा जो भी हो जाए ज्यादा का बात कर रहे हैं 15,000-20,000 में जौनपुर में ऐसा देखता हूँ परिवार है जो 15,000-20,000 खर्च करता है। तो ऐसे लोग भी हैं लेकिन वो क्यों नहीं होता है राजेश इस पे ध्यान हमें देना होगा आखिर ऐसा होता क्यों नहीं। आखिर 1500 पीवी होता क्यों नहीं। प्रीति मैडम का 1500 से ऊपर होता है 1500 पे रुकवा देते हैं रुक जाइए अगले महीने अरे पिछले बार रुकवाए थे उनका अपना थिंकिंग है कि भाई अगले महीने मुझे करना है इस तरह सोच हो सकती है लेकिन हम ये करना चाह रहे हैं उस महीने ज्यादा 4,000 पहुँचा देना चाहिए। इसका कारण क्या पहुंचेगा मतलब होगा होगा उस होता क्यों है हम इस पे जाना चाहेंगे कि आखिर लोग 1500 रुपए क्यों ना कर पा रहे हैं कारण क्या है। कारण ये है कि हम इस तरह से बैठते इस बात मानेंगे नहीं जी इसलिए नहीं होता कि हम इस तरह बैठते नहीं हम इस तरह की जानकारी कहां लेते हैं। आज 1500 पीवी हर व्यक्ति को होना चाहिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका ना हो। उसका मेन कारण है कि हम आरसीएम ज्ञान केंद्र पर नहीं आते आरसीएम ज्ञान केंद्र पर हम जानकारी को नहीं देते या जो हमारे साथ आ रहे हैं उनको हम जानकारी दिलवाते नहीं तो कैसे हो। तो ये सब हमें करना होगा ज्ञान केंद्र साप्ताहिक ज्ञान केंद्र यहाँ चले। राजेश जी आप सहमत हैं कि यहाँ ज्ञान केंद्र चलना चाहिए। शुरू से ही संस्कारी लीडर यहीं पर आते हैं यहाँ पर सप्ताह में एक दिन सब लोग आने के लिए सहमत है तो कौन सा दिन निश्चित किया जाए किसी सर सिखाओ तो लोन तो उमर अपने कहा चल सब अपने अपने सिस्टम से सिखाओ आप लोग लीडर होना पड़ेगा। जैसे किसान दूसरा क्या काम करने वाले पैसे कमाते हैं नौकरी भी करने वाले चीजें कमाते हैं। नौकरी मजदूरी भी नौकरी का संक्षिप्त रूप है मजदूरी भी भाई नौकरी मजदूरी मजदूरी इसी आ जाएगा। तीसरा है यहाँ पर व्यापार व्यापार करके भी पैसे कमाते हैं। चौथा है अपना डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग भारत में हम भेज देंगे अपना नंबर दे दीजिएगा भेज देंगे हम चौथा ले रहे हैं आर ई एम। अब हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम अमीर लेकिन अमीरी के लक्षण क्या है। अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा बहुत है अथाह है जो चाहता खरीद लेता है तो अगर उसके पास समय ना हो तो क्या वो अमीर कहा जाएगा। नो सर। अगर समय भी हो उसके पास सुरक्षा ना हो क्या अमीर कहा जाएगा। अर्थात अमीर होने के लिए हमें पैसा समय सुरक्षा तीनों चीजें चाहिए। तो आइए हम लोग सबको इस यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं किसके पास क्या है पैसा समय और सुरक्षा ये तीन चीजों की प्राप्ति किसके पास किस मात्रा में है। तो ये खाका बन गया तैयार हो गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि किसान पास क्या पैसा पर्याप्त होता है कि
किसान के पास कोई पर्याप्त पैसा नहीं रहता। अगर आप उससे पूछेंगे सर मुझे जरूरत कुछ पैसे की, तो बोलेगा किसान ये जो फसल है ये हो जाने दीजिए तो मैं कुछ करूंगा कुछ पैसे दूंगा, अर्थात उसके पास पैसा नहीं रहता है। अब ये देखिए क्या उसके पास समय होता है, किसान के पास होता है। आज तो इतने इंस्ट्रूमेंट इतने आधुनिक खेती हो गई है कि 15 दिन या 10 दिन अगर आप मस्त करवा दीजिए खेती तो बुआई भी हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा, 10 दिन नहीं लगेगा। कटाई आता है उसमें भी आप लगा दीजिए मशीन कट जाएगा, तो 10 दिन 15 दिन की ही खेती होती है मुख्य रूप से। उसके बाद किसान के पास समय रहता ही रहता है तो दूसरा काम भी कर सकता है, माने समय किसान के पास होता है। अब सुरक्षा देखिए किसान के पास होता है नहीं, अगर अगर किसान फसल बोया और आंधी तूफान आ गया तो क्या उसी तरह पैदावार होगा, उसका गिर सकता है, सूखा पड़ गया तो भी प्रभावित हो जाएगा, उसकी उपज प्रभावित हो जाएगी, इसलिए सुरक्षा भी किसान के पास नहीं रहेगी। अब हम देखिए नौकरी पास क्या क्या है, क्या नौकरी वालों का पैसा होता है, पैसा होता है लेकिन अल्पकालीन के लिए होता है। पैसा तनख्वाह पाया सभी रास्ता बना है वहां वहां चला गया, अगर उसके महीने के लास्ट में अगर आप पूछेंगे भैया हम कुछ पैसे की जरूरत दे दीजिए, कहीं यार तनख्वाह नहीं दी मेरे पास खुद ले उसके यहाँ बनी गया उधार चल रहा, तो नौकरी वालों का हाल मैं खुद जानता हूँ क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ। महीने के लास्ट में होता है कि अगली तनख्वाह आ जाए, अर्थात हम कह सकते हैं कि नौकरी वालों के पास भी पैसा नहीं होता, अगर होता तो दे देता है समय पे, मतलब समय पे आया लेकिन चला गया, उस पैसे को पैसे आप कहेंगे जो पैसा आया और चला जाए रहे ही ना, इसलिए नौकरी वालों के पास पैसा नहीं होता और वो बहुत सारे रास्ते उनके पहले से बने होते हैं उसमें वो पैसे चले जाते हैं। अब अगला हम देखें क्या समय होता है नौकरी वालों के पास, वो कहते हैं अगर नौकरी वालों से बात करिए कि नहीं भैया मेरे पास समय नहीं है, हमें कल ड्यूटी जाना है और ये थोड़ा समय है हम ये काम करेंगे मेरे पास समय नहीं, तो नौकरी वालों के पास समय भी नहीं होता। क्या सुरक्षा होती है नौकरी वालों के पास, सुरक्षा भी नहीं होती, क्यों, क्योंकि आज तो पेंशन फंड भी नहीं है, अगर आप रिटायर हो गए वही कहानी खत्म, आप डिपेंड हो जाएंगे, इसलिए इसमें सुरक्षा भी नहीं। अब हम व्यापार के बारे में देखें कि व्यापार वालों के पास पैसा होता है, होता है क्यों, क्योंकि वो मेहनती अगर है करते हैं काम उनका मूलधन भी रहता है, उनका जो लागत है वो भी उनके पास आता है और उसमें मुनाफा भी आता है, पैसा तो जगह भरा रहेगा माने पैसा होता व्यापार वो खुश रहता है। अब समय तो कहते हैं मरने फुर्सत नहीं भैया हम कहीं जाएंगे नहीं, हमारा धंधा चौपट हो जाए, इसलिए अब देखो उदाहरण, इसलिए मैं ये मेरा टॉपिक था अंतिम का लेकिन वो रुक नहीं पाए, तो ये जो है समय व्यापार वालों के पास नहीं है। अब आ गया सुरक्षा क्या रहती है व्यापार वालों के पास, सुरक्षा भी नहीं रहती, क्यों, क्योंकि आज आपकी दुकान अच्छी चल सकती है, आपके टर्नओवर अच्छे हो सकते हैं लेकिन कल कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्ण कोई मार खुल गया कोई अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति आकर खोल दिया तो आपका व्यवसाय डाउन हो जाएगा, अर्थात ये व्यापार वालों के पास सुरक्षा भी नहीं। अब देखते हैं आरसीएम के बारे में, क्या आरसीएम करने वालों के पास पैसा होता है, पैसा होता कब होता है, कब होता है जब आप नींव बना लेते हैं, जब आप नींव बनाते हैं तो ईंटा कहां जाता है धरती के नीचे जाता है दिखाई नहीं देता, लेकिन नींव कितनी जरूरी होती है घर बनाने के लिए, उसी तरह से इस व्यवसाय में इस अभियान में आप जब शुरू में टीम का निर्माण करते हैं तो न्यू बनाते और न्यू बनाते समय दिखाई नहीं देता, अभी जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो शुरू में दिखाई नहीं देता, शुरू में पैसे नहीं आते हैं बहुत कम आते हैं न के बराबर भी आप कर सकते हैं, उस न्यू को जब आप बना लेते हैं जब आप नेटवर्क का निर्माण कर लेते हैं तब आपका दिखाई देने लगता है तब आपके पैसे आने लगते हैं, तो इसलिए धैर्य की बात ममता मैम ने कहा कि नेटवर्क बनाते समय धैर्य रखें, धैर्य खोए नहीं क्योंकि इसमें कुछ समय भी लग सकता है, तो पैसा तो है क्यों, क्योंकि मेरे पास पैसे आ रहे हैं। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, मैं मेरा एक सपना था कि मुझे एक महीने का इनकम अपने तनख्वाह से ज्यादा आना चाहिए, तो मेरी तनख्वाह जो है 83,300 कुछ रुपए,
लेकिन हमको जो मार्च महीने कमीशन आया था जिसमें हमारा ईयरली बोनस भी शामिल था, भले ही ईयरली बोनस शामिल था लेकिन मुझे 84,032 रुपए आए, तो ये हमारे इनकम को क्रॉस किया, हमारे महीने की जो टीचिंग का जो पैसा था उससे अधिक आया, तो मुझे खुशी मिली कि आज अगर 84,032 रुपए आ रहा है तो आने वाले कल में और भी अधिक आएगा, तब मुझे तो कुछ आता। तो आइए आगे देखते हैं कि आगे वालों को पैसा तो होता न्यू, आपको रॉयल्टी जब तक आप रॉयल्टी बन जाए तब तक समझिए आप न्यू बना, और जब न्यू बना रहे हैं तो क्या दिखाई नहीं देगा, वो अंदर में जाए। तो रॉयल्टी इसका पहला पायदान होता है, पहला सपना होता है कि हम इस अभियान के रॉयल्टी अचीवर बने, वही अपने सपने होने चाहिए सबके आने वाले सभी लोग, बिजनेस भी आपका चाहे हो चाहे नए सारे लोग, रॉयल्टी के नीचे सोचना नहीं, रॉयल्टी आपका मकसद होना चाहिए। आज नहीं तो मैं रॉयल्टी लेके रहूंगा, यही से आपके महल का निर्माण होगा, इसलिए हम सारे लोग रॉयल्टी जल्दी जल्दी बने। इसके बाद समय क्या करने आपसे करने वालों के पास समय होता है? यस होता ही नहीं, नहीं होता समय। समय तो शुरू में इन्वेस्ट आप करते हैं जी सर, अगर आप इन्वेस्ट समय किया शुरुआती न्यू बनाने का तो उसके बाद समय लगता नहीं बढ़ता है, मल्टीपल टाइम आपको बढ़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप सिस्टम में आए, आप न्यू बनाते नेटवर्क आपने बना लिया राइटिंग सुबह होने तक, तो अगर आपके पास 1,000 लोग सिस्टम में है और 2-2 घंटे अगर आपके लिए काम किए कितने घंटे काम होगा, 1,000 लोग 2-2 घंटे कितना हुआ 2,000 घंटे काम हो गए, तो क्या कोई एक व्यक्ति 2,000 घंटा काम कर सकता है? नहीं कर सकता, वो बहुत करेगा तो 8-10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटे काम कर सकता है। तो यहाँ पे आपके घंटे बढ़ जाते हैं, समय हमारे बढ़ जाते हैं, और इस समय के बाद अगर आप कुछ भी ना करें, आप कनाडा विदेश वहां पर आप रहें और महीना खत्म होने के बाद अगले महीने में पैसे आपके आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि आपके साथ जो भी लोग लगे हैं राजनीति चिमर टीम में चिमर है, सारे लोग काम करेंगे अपने लिए और टर्नओवर होगा, सब लोग खाएंगे, खाना पीना बंद नहीं होगा, पैसा क्यों बंद हो जाएगा, अगले महीने भी पैसा आएगा, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा, ये इसका खासियत है। हम कह सकते हैं आप समय हमारा मिलता नहीं बल्कि बहुत मिलता है, समय की आजादी होती है, आप कहीं जाइए। लेकिन शुरू में कामयाबी तो अपना क्या मांगती है, कीमत मांगती, तो उसको पाने के लिए हमें कीमत देना होगा, और उस कीमत देने में इसी तरह हम गतिविधि बने रहेंगे और आर्थिक ज्ञान केंद्र पर आते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो टीम है वो मजबूत टीम का निर्माण होगा। आगे हम देखें क्या इसका सुरक्षा होता है। सुरक्षा इसमें बहुत ही जबरदस्त होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप टीचर या कोई नौकरी पेशे में है, बीच में आप खत्म हो गए मान लीजिए, तो कंपनी ने एक व्यवस्था दिया है जिस योग में आपका लड़का होगा उस योग का आपकी नौकरी हम दे देंगे, अगर उस पर अगर मास्टर बनाएंगे क्वालिफाई होना जरूरी है, अगर वो नहीं है तो आपको हम चपरासी क्यों बनाएंगे, भले आप चाहे जो कितना पढ़े हो। तो उसमें चपरासी मान लीजिए एक बार बना ही दिए तो क्या वो फिर अगर वो नहीं रहेंगे क्या फिर इस तरह का अगले पीढ़ी के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने टीम का निर्माण कर दिया है, आपके नीचे आपके साथ सारे लोग हैं, तो आप नहीं भी रहेंगे तो पूरा पूरा जितना आपको इनकम आ रहा है वो पूरा पूरा इनकम आपके नाम में ट्रांसफर हो जाता है, अर्थात यहाँ इनको नाम की हमें सुरक्षा मिलती है। और सबसे मजे की बात क्या है कि जितने पाप छोड़ के जाते हैं उससे ज्यादा आता है आपके नाम में। अब कोई भी सिस्टम आप बता दीजिए दुनिया का जहां पे ऐसा होता हो कि आपके रहने जितना आ रहा हो न रहने उससे ज्यादा आने लगे, कोई सिस्टम बताई दुनिया का? एक डॉक्टर भी होगा अगर भले 1,00,000 रुपए रोज कमाता हो लेकिन जिस दिन वो नहीं रहेगा अगले दिन क्या पेशेंट उसके यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे, क्या 1 रुपया आएगा? नहीं आएगा। सारा गुण सारा कौशल वो लेकर के अपने साथ चले जाते हैं, अगले ही दिन उनका परिवार 0 पे आ जाता है। जिस डॉक्टर को बनाने के लिए हम कितने पैसे खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके तब जाके वो डॉक्टर बनकर अपना स्टेटस होता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर धीरे धीरे ही सही, आप पास भले पूंजी ना हो कुछ ना हो लेकिन अगर आप लगे रहेंगे धीरे धीरे एक दिन बहुत बड़ा कारोबार आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो आपको बेहतर सुरक्षा मिलेगी।
तो इस तरह का दुनिया में कोई काम नहीं है। अर्थात यहाँ पे सुरक्षा बहुत ही बेहतर शानदार मिलता है। अब आप बताएं यह जो काम है आरसीएम, यह क्या दुनिया के किसी भी काम से बेहतर है या नहीं? है सर। इससे आपने क्या देखा, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? समय, सुरक्षा। दुनिया के हर काम से आप किसी में देखिए, क्या तीनों चीजें किसी में भी काम में है? नहीं, दुनिया में इतने काम होते हैं, इसी के अंदर सारे लोग हैं, तो क्या किसी भी काम में तीनों चीजें पाया गया? नहीं। अगर आरसीएम में तीनों चीजें पाई गई, इसका मतलब क्या है? समय, सुरक्षा, मिले पैसा, नहीं कोई आरसीएम के जैसा। नहीं कोई आरसीएम के जैसा। तो ममता मैम के लिए ताली होनी चाहिए, उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया इस बात को। वास्तव में आप लोग आज इस बात को एकदम एकदम से संतुष्ट होकर के जाइए कि दुनिया में कोई भी काम इससे बेहतर नहीं। डायमंड जाते, डायमंड लेवल तक जाने का रास्ता डायमंड क्लब है। जैसे अगर आपको हॉकी का बेस्ट प्लेयर बनना है तो आपको हॉकी क्लब ज्वाइन करना पड़ता है। क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर बनना है तो आपको क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना पड़ता है। उसी तरह से इस आरसीएम में अगर आपको डायमंड तक जाना है तो डायमंड क्लब ज्वाइन करना पड़ता है। और एक चीज और राजेश ने बताया कि 1500 पीवी जिसके घर में नहीं जा रहा है तो वास्तव में वह इस आरसीएम के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस बात को मान रहे नहीं, गरीब से गरीब क्यों ना हो, अगर वो नमक से लेकर सारी चीजें, चड्डी गंजी मनिया जूता चप्पल, अपना जो घर में जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, लेडीज के प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसको सारे प्रोडक्ट को लिया जाए तो 1500 पीवी से कम बताइए कोई यहाँ पर रोज बताया कि 1500 पीवी नहीं हो पाएगा। सर आप बताइए, बिल्ले जी 1500 पीवी हो सकता है? वो तब हो सकता है जब आप 100% प्रोड्यूस करें, चाहे घर के लिए हो, चाहे पत्नी के लिए, माता जी के लिए, पिताजी के लिए, किसी के लिए भी हो, अगर आप सारे प्रोडक्ट इससे लेते हैं तो 1500 पीवी से कम नहीं हो सकता। इससे ज्यादा जो भी हो जाए, ज्यादा का बात कर रहे हैं, 15,000-20,000 में जौनपुर में ऐसा देखता हूँ परिवार है जो 15,000-20,000 खर्च करता है। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन वो क्यों नहीं होता है राजेश जी, इस पे ध्यान हमें देना होगा। आखिर ऐसा होता क्यों नहीं? आखिर 1500 पीवी होता क्यों नहीं? प्रीति मैडम, 1500 से ऊपर होता है 1500 की रुकवा देते हैं, रुक जाइए अगले महीने। मैं रुक नहीं रहा हूं। अरे पिछली बार रुकवाए थे आटा और वो उनका अपना थिंकिंग है कि भाई अगले महीने मुझे करना है, इस तरह सोच हो सकती है, लेकिन हम ये करना चाह रहे हैं। उस महीने ज्यादा 4,000 पहुँचा देना चाहिए। इसका कारण क्या पहुँचेगा, मतलब होगा उस आपका होगा सब होगा। देखिए होता क्यों है, हम इस पर जाना चाहेंगे कि आखिर लोग 1500 रुपये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि हम इस तरह से बैठते हैं, इस बात मानेंगे जी, इसलिए नहीं होता कि हम इस तरह बैठते नहीं, हम इस तरह की जानकारी कहाँ लेते हैं। आज 1500 पीवी हर व्यक्ति को होना चाहिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका ना हो। उसका मेन कारण है कि हम आरसीएम ज्ञान केंद्र पर नहीं आते, आरसीएम ज्ञान केंद्र पर हम जानकारी को नहीं देते, या जो हमारे साथ आ रहे हैं उनको हम जानकारी दिलवाते नहीं, तो कैसे होगा? तो ये सब हमें करना होगा। आरसीएम ज्ञान केंद्र साप्ताहिक ज्ञान केंद्र यहाँ चले। राजेश जी आप सहमत हैं कि यहाँ ज्ञान केंद्र चलना चाहिए? कल शुरू से ही सारे लीडर यहीं पर आते हैं यहाँ पर, सप्ताह में एक दिन सब लोग आने के लिए सहमत हैं? हाँ सर आएंगे। तो कौन सा दिन निश्चित किया जाए? हम लोग आएंगे किसी दिन, आप लोगों लगान महीना में एक दिन करा सर, कहाँ पाएंगे? नहीं हम तो नहीं आ पाएंगे, मतलब किसी महीने में बार तो आने के लिए। पीसी सर सिखाओ तो लोन तो उमर अपने कहाँ चल गए भाई, सब अपने अपने सिस्टम से सिखाओ। लेकिन आप लोग लीडर होना पड़ेगा, जैसे